हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ममास चैनल। बहुत टाइम बाद मम्मी की चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो रही है बिकॉज ये बहुत खास दिन। खास दिन क्या? मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। सिंस ऑलरेडी मम्मी को एक किटी पार्टी करनी थी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के लिए, एंड फॉर दैट दे आर सेलिब्रेटिंग विद देयर किटी फ्रेंड्स। सो वी थॉट कि छोटा सा एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा और मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हो जाएगा इनडायरेक्टली। कुछ ज्यादा नहीं किया है, बहुत थोड़ा सा सब कुछ। आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए। कैसे कैसे बना, क्या क्या तैयारी हुई इस किटी पार्टी के लिए, आइए देखते हैं। सीन ये है कि सारी क्रॉकरी जो यूज होने वाली है कल की पार्टी में, वो सब मैंने वॉश करके यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया है। मैंने ना नीचे ये प्लास्टिक वाला बिछा दिया है और ये टेबल मैट्स लगा दिए हैं ऊपर से। लास्ट मिनट पे सब कुछ नहीं हो पाएगा तो मैंने सब धो धा के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया, जैसे कि कल ना फटाफट से। पार्टी जो काम रहेगा वो होगा कि इनको मैं ढंग से पोंछ के लगाऊं टेबल पे ढंग से, और कुछ डेकोरेशन वगैरह भी ऐड ऑन करूं। ये अभी आधी है बिकॉज इसमें स्टील प्लेट्स और स्पूंस और ऐड होंगी, और भी बहुत सारे आइटम है जो धो के मैंने कहीं और लगा रखे हैं सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। बट ये मेन क्रॉकरी है जो मैंने यहाँ पे लगाई है सूखने के लिए। ये सारी जो क्रॉकरी है ना यहाँ पे ड्राई हो जाएंगी और कल यूज़ होंगी, देन दोबारा से वॉश होंगी, दोबारा से ड्राई होंगी, तब जाके ये लगेंगी कैबिनेट में यहाँ पे। और ये तो अभी चल रहा है, बहुत लेट हो गया है, अब मैं जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो पार्टी वाले दिन की सुबह हम सब अपनी अपनी समझ से लग गए थे अपने अपने कामों में, जैसे कि मम्मी ने किचन संभाल लिया था, वो बना रही थी तरह तरह की डिशेस। मीनवाइल मैं कर रही थी डेकोरेशन पार्ट, घर का साफ सफाई, टेबल सेट करना, और पापा ने भी बहुत हेल्प करी हमको। वो कभी कभी जा के सामान लेकर आ रहे थे, कभी हमारे साथ बेडशीट्स बिछवा रहे थे, कभी क्लॉथ्स वगैरह लगवा रहे थे, सोफा सेट बिछवा रहे थे। मतलब सबने कुछ ना कुछ हेल्प करी है और किसी को भी कुछ भी असाइन नहीं हुआ था। म्यूचुअली सब लोग सब कुछ देख के अपने अपना काम उठा के पिक करके करने में लगे हुए थे। सब मिलके काम करते हैं ना तो काम जल्दी भी हो जाते हैं, और फिर इससे ये भी होता है कि यार किसी एक बंदे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, और फिर वो भी इतना ज्यादा थक जाता है ना काम कर करके कि वो फिर पार्टी का मजा नहीं ले पाता। जब भी फैमिली गेट टुगेदर्स हो या फैमिली में कोई भी ओकेजन हो तो काम भी सबको ही करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के मजे भी तो सभी ले रहे हैं और उससे काम भी आसान हो जाता है। यहाँ पे मम्मी बना रही थी टमाटर की प्यूरी, क्योंकि बहुत सारी डिशेस बननी है, मतलब सब्जियाँ बहुत सारी, 3-4 सब्जियाँ आई गेस बनने वाली थी। तो मम्मी ने यहाँ पे 2-3 किलो टमाटर आई गेस एक साथ मम्मी ने उबालने के लिए रख दिए थे, जिससे कि जब भी मम्मी को टमाटर की जरूरत होगी तो मम्मी इस वाले प्यूरी को यूज़ कर लेंगी। और ये बहुत अच्छा मेथड है, इनफैक्ट नॉट सिर्फ पार्टीज के लिए, अगर आप वर्किंग लेडी हो या आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादातर कुकिंग में जाता है तो आप इस तरह की तैयारियाँ छोटी छोटी करके अपने फ्रिज में रख सकते हो। इस तरह से अगर आप प्यूरी बनाओगे तो आप इसको 2 हफ्ते तक यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें ऑयल डला हुआ है तो ये खराब जल्दी नहीं होगी। तो हमने टमाटो प्यूरी के साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना के रख दिया था, और उसमें हमने ना हरी मिर्ची भी डाली थी बिकॉज इससे ना फ्लेवर काफी अच्छा आता है। और ये कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं जो आप खाना बनाने से पहले ही बिफोर हैंड करके रख सकते हो, इससे क्या होगा ना आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। आइए अब मटर पनीर की रेसिपी देखते हैं। बाकी और डिशेज की रेसिपी मम्मी के चैनल पे अवेलेबल है। मम्मी का चैनल है राज रतन रसोई। डालती हूँ टमाटर पूरी, ये जो उबाल के मैंने बनाए थे, पहले तल के रख ली, अब इसको इसमें डाल दे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया, अब नमक, चना मसाला, चाट मसाला, मटर पनीर बना रही हूँ। पानी जो डाल रहे हो मम्मी? ये ग्रेवी गाढ़ी हो रही है, अभी मटर पकेगी और पनीर पकेगा इसलिए पानी डालना जरूरी है। कसूरी मेथी थोड़ी सी डालिए ना, थोड़ी सी डालिए, ज्यादा नहीं। हरा धनिया, तो डाल के 5 मिनट पका लेना है बस। स्नैक्स में मेन आइटम था आलू बरूले और साइड में था क्रंची चकली, मकई की मीठी मठरी और 1-2 साउथ इंडियन नमकीन। उन सब चीजों की मैं वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज गेस्ट आ गए थे और मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी और मैं क्लिप्स लेना भूल गई।
मेन डिशेस में था मटर पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ही डिलिशियस थी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं थी। दूसरा आइटम बनाया था मम्मी ने आलू गोभी, ये बहुत ही शादी वाला स्टाइल का बनाया था, मतलब बहुत ही स्पाइसी और मज़ा आ गया था खा के। थर्ड आइटम जो मम्मी ने बनाया था मेन डिश में वो था पंजाबी छोले, और स्टार ऑफ द शो वॉज बथुए का रायता। इसकी रेसिपी भी मम्मी के चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ में मम्मी ने बनाया था पुलाव, जीरा पुलाव एंड पूरियां। इन सब चीज़ों की रेसिपी आपको यूट्यूब चैनल राज रतन रसोई पे मिल जाएंगी। मीठे में बना था नारियल लड्डू, गॉड प्रॉमिस अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप कभी बाहर से लड्डू मंगवाएंगे नहीं। सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। This was all about today's vlog, and if you like this vlog, please subscribe to my mom's channel and stay healthy. Bye bye.